सो फ्रेंड्स देखो, ओ ये देखो गाइस, पूरा टूट गया है। अपो तो नमस्ते, सभी को स्वागत करते हैं एक और नए दिन के साथ। तो हाँ, आप लोग कंफ्यूज हो गया होगा कि थंबनेल में कुछ और छाता लेके भाई क्या कर रहे हो के। सो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है इसको हम पिछला मंथ में शूट करके रखा था, जून का महीना में, उसमें हम अपलोड करने नहीं मिले। सो आज जैसे कि जुलाई है तो जुलाई महीना में काम आ गया हमको एक्चुअली में। सो एक्चुअली हम कहीं भी नहीं जा सके काफ़ी दिनों से, बारिश हमें गिर के परेशान कर दिए। तो हाँ, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मेरा कज़न ब्रदर के साथ हम फिशिंग करने गया था जून का महीना में। सो कैसा कैसा रहा है, क्या क्या किया है हम दोनों, वो आगे वीडियो पे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को आप लोग इन्जॉय कीजिए। तो गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करते हैं एक और नए दिन के साथ। जैसा कि मेरा कज़न ब्रदर के साथ आज का वीडियो होगा, तो आप लोग भी काफ़ी लोग देखा होगा कि हम दोनों काफ़ी बार नदी गए फिशिंग करने को, लेकिन हम दोनों जितना बार भी मछली पकड़ने के लिए गए हम दोनों को इतना बड़ा मछली नहीं मिले, छोटा छोटा लाई मछली अभी तक मिले जितना भी साथ में गए। सो इस बार का वीडियो पे हम दोनों का बड़ा मछली पकड़ने का सोचा है। सो हाँ, ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे वीडियो की तरफ चलते सीधा फिर। अभी नदी पहुंच चुका है हमारे ब्रदर, एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही उल्टा निकला है। इतना बड़ा पानी हो चुका है एक्चुअली, हम दोनों का जो जाल है उसको बिछाने का कोई जगह ही नहीं है हमें अभी। तो हम दोनों भी अभी थोड़ा बहुत परेशान हो गया पानी को देख के। तो कोई नहीं, यहाँ पे आ गया तो कुछ ना कुछ तो लगा के जाना पड़ेगा। सो ब्रदर वहाँ में मच्छियाँ पकड़ने का ट्राई कर रहा है, छोटा मच्छियाँ। तो अभी फिलहाल हम लोग जितना भी हम लोगों का फिश हो गया इसको पानी में डाल चुका है। हम दोनों भी ज़रा जाल नहीं बिछा पाया क्योंकि पानी का लेवल ज़्यादा बड़ा हो गया। तो हम दोनों तकरीबन 5 तो लगाया गए, अभी हम लोग कुछ दिन बाद ही डायरेक्ट आएगा इसको देखने के लिए। सो होपफुली कि कुछ ना कुछ मिले तब। तो अभी नेक्स्ट दिन को सीधा मिलते हैं फिर। अभी हम लोग जो लगाया था जाल वहाँ में पहुँच चुका है। सो पानी का लेवल लास्ट टाइम जैसा देखा था उससे थोड़ा उल्टा बड़ा हो चुका है घटने का वजह। सो यहाँ में देखो, यहाँ में पहला हुक यहाँ पे। सो ब्रदर अभी निकलेगा ससुरन तोला, पता नहीं इसको हम दोनों को लग रहा है कि कुछ भी नहीं है जैसा लग रहा है, पानी इतना बड़ा हो गया। हल्का इधर एक ना हाथ पत्थर निकल गया क्या? ओ ये देखो गाइस, मुड़ गया डायरेक्ट मछली। एक आया तो था लेकिन हालत देखो क्या हो चुका है इसको। हम लोग कितना दिन बाद आ रहे हैं, 3 दिन ना, 3 दिन बाद आए। क्या घन मर रहा है, घन मर रहा है। ये देखो इसका क्या हाल हो चुका है,
और ये देखो मच्छी तो आया है एक शुरुआती जाल में, तो वैसे ज़्यादा लगाने का मौका भी नहीं मिला था, बट ये भी काफ़ी है। हालांकि थोड़ा बहुत स्मेल आ रहा है इससे, बट भाई बोल रहा है कि कुछ नहीं बोल रहा है। सो देखो यहाँ पे एक और लगाया था, इसको चेक करेगा कचरा, देखो उड़ उड़ के आ रहे यानी कि कुछ भी नहीं है। ओ एक आया तो इसका भी वही हाल है क्या? सो फ्रेंड्स इसका भी वही हाल है जो पहले का हाल था, पूरा मच्छी हम दोनों का आया तो था लेकिन सोराला से निकल रहे क्या अभी कोई नहीं, लेकिन खाली हाथ तो नहीं है, मच्छी तो आया था कंटिन्यू कंज्यूम की थी दो तुम्हें। ये ना काल का नहीं होगा, ये भी काल का जिंदा होना, परसों का होगा, दो तीन दिन पुराना होगा ये भी। अभी बाकी लोगों को देखते हैं उन लोगों का क्या हाल होगा, सारा सारा मछली निकल रहा है क्या करेगा। अभी काफ़ी दिन बाद बारिश होने का वजह से ये हाल हुआ है, क्योंकि ज़्यादा बारिश में आना भी थोड़ा मुश्किल है। इनफैक्ट अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पानी का लेवल नॉर्मल से काफ़ी बुरा है। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ एक तो लगाया था, ये वाला हम ट्राई करेगा, जैसे कि खाली पत्तों निकल गया, एम्प्टी पत्तों निकल गया लग रहे, एम्प्टी खाली। तो एकदम धोतु आया है वो भी ऑलमोस्ट सड़ साड़ के आए, क्या ही कर सकते हैं अभी, इसका हम दोनों वापस लगा देगा। यहाँ पे हम दोनों वापस, जैसे कि मच्छिया से दाना किया था सो पत्थर निकल गया जैसे लग रहा है, होगा पल्ला आहा पत्थर निकल गया ना पूरी रे। कभी कभी फंस जाता है काफ़ी जब बारिश जोरदार गिरते, लास्ट टाइम तो सरा वाला भी मिला था, इस बार तो खाली हो गया। ठंडा ठंडा है रे ये जगह, बहुत ठंडा है ये जगह, पानी का बहाव से कचरा सेट भरती हो गया है। चारा को कुछ लोग खाया था क्या? आया तो लग रहा है ना। तो इसका हुक जो है पूरा का पूरा उलझ गया है, ईल मछली आया था जैसा लग रहा है हम दोनों को। अभी यहाँ में एक गला था क्या, पूरा टूट गया क्या? अपो आया था ना। सो फ्रेंड्स आप लोग देखा होगा कि डायरेक्ट व्हील टूट के बैठे ये वाला, ये बात तो बड़ा लगा रे, ये तो डायरेक्ट बहुत बड़ा लगाने है, बड़ी बोरिंग लग गया। सो ऊपर में बचे और हम नहीं बोलेंगे ना, टाला ऐसे होते फंसने से थूता देते बोल के। सो ये वाला व्हील पतला था, तोड़ दिया, लॉस हो गया, बट क्या ही कर सकते अभी, ऊपर में जाके देखते हैं। सो वहाँ पे और दो बचे, सो फ्रेंड्स देखो अभी अभी ब्रदर इसको निकला है, कित पिस्ता हो रहे हम दोनों का नीचे का वाला भी, अप इतना जोर से झटक रहे। सो फ्रेंड्स देखो ये एक मिला है, फाइनली एक हाथ लगाए, लेकिन बहुत छोटा है हम दोनों का, इससे बहुत बड़ा बड़ा वाला छूट गया है, दोतू को काटा तोड़ दिए। सो फ्रेंड्स अभी हम दोनों गाड़ी लेके आए यहाँ पे, और जितना भी मच्छी था उसको देख के आ चुका है, और दोबारा नहीं लगाएगा चारा। हालांकि एक भी बड़ा मच्छी नहीं मिला है, इतना कोशिश का बाद भी
चार दिन गया था, तीन दिन लगातार दिख नहीं गया, हालत खराब हो गया पसीना से, सो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। सो अभी नेक्स्ट मंथ को ट्राई करेगा एक बार, शायद ये मंथ दोनों का लक साथ नहीं दिए। तो अभी हम दोनों घर जाएंगे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, सभी को तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।